हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में जो हमने अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले। इससे पहले दो पार्ट में हम इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट अपना पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली आपकी सीरीज है। इससे पहले मैं बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे के अलावा जितना भी आपका हरियाणा का इंपॉर्टेंट डेटा है, जो आपका बदल चुका है आंकड़े, वो हम कर चुके हैं। हरियाणा का बजट हम कर चुके हैं, नियुक्तियां हम कर चुके हैं, हरियाणा में कौन क्या है ये हम कर चुके हैं, जितने भी आपके इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट है उनका जो ईयर है एस्टेब्लिशमेंट का, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है। सूरज कुंड मेला हम कर चुके हैं। तो ये इंपोर्टेंट वीडियो है जो आपके एग्जाम में आपको औरों से आगे ले जाने में मदद करेगी, तो इस वीडियो को मिस मत करना भाई, जितनी भी ये सीरीज अपनी चल रही है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी करके जरूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं अगला जो लीड्स है, तो लीड्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। हाल ही में जो लीड्स सुर्खियों में है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस, इस रैंक में हरियाणा को कौन सा दर्जा मिला है? तो टॉप अचीवर का दर्जा मिला। किसका दर्जा मिला है हरियाणा को लीड्स में? टॉप अचीवर का दर्जा मिला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वह याद कर लेंगे। आगे, खादी बिक्री केंद्र हरियाणा में कहां कहां पे है? तो खादी के बिक्री आपको पता होगा, जब आप जाते भी होंगे पंचकुला में ऑफिस के साथ में ही, तो वहां आपको एक दिखेगा और एक फरीदाबाद में। तो दो हैं, पी और एफ याद कर लेंगे, खादी जो है आपकी पंचकुला और फरीदाबाद में। आज की वीडियो में सारा का सारा इंपोर्टेंट डेटा हम करने वाले हैं, जितना भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा आज हम करने वाले हैं भाई, यहां से प्रश्न जरूर पूछा गया है और पूछा जाएगा। आगे, हरियाणा में खानों की संख्या कितनी है? तो खान में आप देखो खे जो दिख रहा है नौ जैसा है। अगर एग्जाम में आपने खान ऐसा याद भी रख लिया नौ जैसा है, तो मान लो ऑप्शन आपको मिले 60, 70, 80, 90, तो 90 के आसपास आप आंसर लगा देंगे 92। लेकिन इनमें से खाली कितनी है? तो इसका उल्टा कर दो, 9-2 का उल्टा, 2-9 खाली पड़ी है, टोटल पूछे खाने, तो 9-2 92 हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऊर्जा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट आंकड़े हम करते हैं, जो ऊर्जा के क्षेत्र में वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कुल उपलब्ध स्थापित क्षमता कितनी है हरियाणा की? कुल उपलब्ध स्थापित, जो स्थापित कर रखी है, कितने मेगावाट की है भाई? 14026 की, 14026 मेगावाट की स्थापित क्षमता है। उसके बाद उत्पादन की पूछे, ये स्थापित है तो उत्पादन कितना है? तो 3428, 3428 याद कर लेंगे, उत्पादन याद करेंगे। तीन जैसा उत्पादन, फिर पे आपको दिखेगा चार जैसा, ठीक है, इसकी क्षमता तो 3400 के आसपास याद कर लेंगे, 3428 है, और वो कितनी है? 14026 हो जाएगा। अब उपलब्ध बिजली कितनी है हरियाणा में? तो उपलब्ध बिजली भी तीन जैसे आपकी स्टार्ट होगी, तो ये 3428 थी, तो ये 32 आपकी, 326,416 याद कर लेंगे, 3,26,416 लाख किलोवाट में है। अगर मेगावाट में पूछे तो आप तीन और पीछे से लगा देंगे तो 326 हो जाएगा। ठीक है, तो 326,416 याद रखेंगे। उपलब्ध बिजली कितनी है, उत्पादन क्षमता कितनी है? तो तीन जैसा 3428 हो जाएगा और वो 14026 हो जाएगा। बेची गई बिजली हरियाणा में कितनी है? तो बेची गई कितनी है? 285,851 लाख किलोवाट है। आपकी उपलब्ध बिजली कितनी है? 326,416, 326,416, बेची कितनी है? 285,851। हरियाणा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बिजली के उपभोक्ता कितने हैं? एग्जाम में पूछा गया, तो बिजली के उपभोक्ता याद कर लेंगे, सितंबर 2023 तक का ये डेटा है। तो हरियाणा में 78,13,955, तो 78,13,955 याद कर लेंगे, हरियाणा में बिजली के उपभोक्ता हैं, हो जाएगा 78,13,955, 78,13,955। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है ये हरियाणा का। अगला, हरियाणा में जो स्मार्ट मीटर है वो कितने हैं, उनकी संख्या? तो 10 लाख है। ठीक है, कितने हैं भाई? 10 लाख स्मार्ट मीटर है। उसके बाद प्रीवेंस लेट देखो, अधिकृत बसों का बेड़ा हरियाणा में कितना है? 5300 का है, लेकिन हरियाणा में बसें हैं कितनी? तो 3369, 3 का पारा 3, 6, 9 और एक और 3 घुसा दो यहाँ पे, तो 3369 बसों का बेड़ा हरियाणा में, और है कितने? 3369।
लेकिन जो नई बसें शामिल की गई हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 809 नई बस और वहां पर मिनी पूछे तो 128 है, तो 5300 टोटल है अधिकृत बेड़ा है कितनी, 3 का पारा 3, 6, 9, 3 और घुसा दो 33, 69, लेकिन टोटल कितनी शामिल की गई है 809 और मिनी पूछे तो 128, 128 हो जाएगा। आगे हरियाणा में बस डिपो की संख्या कितनी है, देखो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दियो, पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो वो भी मैं बता देता हूं कि हमने पुराना जो भी आपका हरियाणा जीके कंप्लीट मैंने आप लोगों को करवाई हुई है, हिंदी मैराथन कंप्लीट ग्रामर आपकी रिवाइज हो जाएगी, तो हिंदी की मैराथन जरूर देख के जाना। बस डिपो कितने हैं हरियाणा में, तो बस डिपो 2-4 है भाई, कितने हैं 2-4 है, लेकिन उप डिपो कितने हैं, ऊ 3 जैसा है 13, तो 3 और आगे 1 13, ठीक है 2-4 बस हैं, उप डिपो कितने हैं 1-3 13 हैं। बस स्टैंड कितने हैं हरियाणा में, तो बस स्टैंड 125 है, ठीक है हो जाएगा 24 हैं बस डिपो, उप डिपो 13, बस स्टैंड कितने हैं 125 है। वहीं पर चालक प्रशिक्षण स्कूल पूछे, यदि चालक प्रशिक्षण स्कूल कितने हैं, तो भाई 22 हैं, प्रशिक्षण शिक्षा देते हैं से, तो 21 के आसपास क्या हो गया 22 हो गया, हो जाएगा। आगे अब जो इंपोर्टेंट डेटा हम करने वाले वही वेरी वेरी इंपोर्टेंट और भी इंपोर्टेंट है डेटा ये, हरियाणा में आईटीआई पूछे आपसे, चाहे आपसे राजकीय पूछे चाहे निजी पूछे, दोनों की संख्या बराबर है 195, आईटीआई 195 निजी भी 195 है, टोटल पूछे तो दोनों को एड कर देंगे तो 390, तो टोटल नहीं पूछेगा या तो राजकीय पूछेगा या निजी पूछेगा, दोनों सेम है 195 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है जिला सिविल अस्पताल, जो जिला सिविल अस्पताल है हरियाणा में कितने हैं भाई, यदि हरियाणा के जिला सिविल अस्पताल में लगना है तो 22 साल की उम्र होनी चाहिए तभी वहां नौकरी मिलेगी जिला सिविल अस्पताल में, तो 22 है। उप विभागीय अस्पताल कितने हैं, उप विभागीय तो 50 है, जिला सिविल में लगना है तो 22 उम्र होनी चाहिए, उप विभागीय पूछे तो 50 होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पूरे जो समूह है उसका स्वास्थ्य भाई बिल्कुल ठीक रहता है क्योंकि वो रनिंग करते हैं जैसे ही 1, 2, 3 बोलते हैं, तो 1, 2, 3 123 है, सामुदायिक पूरे समूह का स्वास्थ्य ठीक है क्योंकि 1, 2, 3 करते ही वो क्या करते हैं रनिंग। जिला सिविल अस्पताल में 22 की उम्र में लगोगे, उप विभागीय 50 हो जाएगा। आगे सिविल डिस्पेंसरी हरियाणा में, तो सिविल में ले 3 जैसा है तो 3, 3, 33 याद कर लोगे सिविल डिस्पेंसरी हरियाणा में। पॉली क्लिनिक कितने हैं भाई, पॉली का आ और ले पकड़ लो, ए आ और ले 3 जैसा 13, कितना है 13 है पॉली क्लिनिक, क्लियर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरियाणा में कितने हैं भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेटा है 409, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 409 है, स्वास्थ्य केंद्र देखो प्राथमिक में आप देखोगे 5, 4 जैसा, फिर स्वास्थ्य में भी 9 देखोगे क्योंकि हर स्वास्थ्य की ट्रिक में 9 से ही करवाता हूं तो 9 दिखेगा और बीच में 409, तो याद आएगा ये डेटा आपको एग्जाम में, ठीक है 409। अब वहीं पर शहरी स्वास्थ्य केंद्र पूछे तो शहरी कितने हैं भाई, शहरी 7, शहरी 7 है, कितने हैं 107, ठीक है बिल्कुल रट देना है ये डाटा, 1 से 2 बार पढ़ोगे ना अपने आप उंगलियों पे याद हो जाएगा। सर डाटा कैसे याद करें, तो 3-4 वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे का निचोड़ आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे स्क्रीन शॉट लेके करोगे तो सारा ये आपको याद हो जाएगा। ये उप स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं हरियाणा में, तो उप स्वास्थ्य केंद्र है भाई 2, 7, 3, 3, 2, 7, 3, 3 27, 33 है याद कर लोगे। अगला आज की वीडियो में केवल और केवल डेटा लिया है जो याद करने योग्य है आपका, जो याद करना है बस आपको। नेक्स्ट विशेष नवजात देखभाल इकाइयां, जो विशेष हैं नवजात भाई वो 2-4 ही हैं, बस डिपो भी कितने थे हरियाणा में 2-4 ही थे, कितने थे 2-4 ही आपको करवाए थे हरियाणा में जो बस डिपो करवाए थे, हो जाएगा। जो नवजात आपका देखभाल इकाइयां कितनी है 2-4 है, हो जाएगा ना भाई, ठीक है। डिपो भी आपको 2-4 से ही करवाया था, उप में ऊ आपका है 3 जैसा, तो उप डिपो 1-3 बताए थे, ठीक है।
आगे नवजात स्थितिकरण पूछे इकाइयां तो छे छे स्थिति छे छे ठीक है छिछे नवजात की स्थिति छिछी ठीक नहीं है छिछी है यार ठीक नहीं है तो छिछी छे छे। स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का नाम बदल के या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है इसका नाम बदल के रख दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर और ये कितने हैं भाई 2368 2368 है 2368 है। अगला डेटा है हरियाणा में आयुष्मान जो कार्ड है उनकी संख्या बतानी है कितनी है जो आयुष्मान कार्ड है हरियाणा में उनकी संख्या बतानी है कि आयुष्मान कार्डों की संख्या कितनी है तो आयुष्मान याद कर लोगे 1.09 करोड़। ये जनवरी 2024 तक का डेटा है जनवरी 2024 तक का 1.09 करोड़। आयुर्वेदिक अस्पताल पूछे तो आयुर कैसे लिखते हैं AYUR वैदिक रहने दो आयुर याद करना 1 2 3 4 तो कितने हैं 4 कितने आयुर्वेदिक 4 है क्लियर है। आगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इनका तो रिवाइज करते रहना इनको क्लियर है। तो ये था आज की वीडियो में इंपोर्टेंट डेटा जो हमने किया है तो अपनी ये तीसरी वीडियो थी एक लास्ट वीडियो और आएगी इसमें तो कंप्लीट आपका आर्थिक सर्वेक्षण इसमें कंप्लीट हो जाएगा इससे बाहर जितना भी आपका निचोड़ था नहीं आएगा इसी में से आपका इंपोर्टेंट डेटा पूछा गया था पिछली बार और इसी तरीके का फिर आपकी बार भी पूछा जाएगा ठीक है। तो पुरानी जो वीडियोज है प्लेलिस्ट है मैंने बना रखी है नई आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर जरूर चेकआउट कर ले भाई तो ठीक है। सारी की सारी इंपोर्टेंट वीडियोज हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट भी जरूर करके बताना वीडियो कैसी लगी ठीक है। थैंक यू सभी को।